हिंद वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जो आप देख रहे हैं शिक्षा की खबर। इस वीडियो में हम जानेंगे यदि जो स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं सर इस बार सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना गया है, तो चलिए सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों का कब तक आ जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, वीडियो की स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है गवर्नमेंट आईटीआई के लेटर के द्वारा, गवर्नमेंट आईटीआई के ऑर्डर के द्वारा सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है आपको जो कि लेटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा सारा जानकारी दी जाता है, ठीक दी जाती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी आईटीआई में आप लोग को एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम सेकेंड मेरिट लिस्ट में, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने नंबर होने चाहिए, कितने आप लोग के परसेंटेज होने चाहिए कि आप लोग के इलेक्ट्रीशियन आई, और जो कि काफ़ी लोग इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल ट्रेड, सारे ट्रेडों जो कि हाईएस्ट नंबर वाले हैं, हाईएस्ट कट ऑफ वाले, तो कितने मैक्सिमम कम से कम कट ऑफ होना चाहिए कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं थे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में देखिए, सबसे फर्स्ट में हम जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, ठीक है, इस बार जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया आप लोग का, जो कि जनरल कैटेगरी का, जो कि 93% जिस कैंडिडेट का था, ठीक है, 93% से लेकर आप लोग का जो है कि मैक्सिमम 85, ठीक है, 85 तक या 93 फर्स्ट में आप लोग यहाँ पे देखिए 93 जिसका 93 था, और जो जनरल कैटेगरी से थे, जनरल कैटेगरी वाले यदि इनका 93% था तो उनका जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, ठीक है। और ये देखिए 93 से लेकर 85 जो जिस कैंडिडेट का जो परसेंटेज था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उन्हीं लोग का नाम आया है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इतना जो कि 85 है फिर भी नाम नहीं आया, तो देखिए आप लोग का इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, जो कि अलग अलग ज़िले में अलग अलग कॉलेज अलग अलग अपने हिसाब से क्या करता है, कटअप को बनाता है, ठीक है। तो इस बार जो कि हाईएस्ट 93 से लेकर आप लोग का फाइनली जो कि 85 तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इलेक्ट्रीशियन को और फिटर को क्या किया है, जो कि सम्मिलित किया, ठीक है, सम्मिलित किया है। और इसमें आप लोग को देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना कटअप बनाएगा, मैक्सिमम इसी से आप लोग अंदाज लगा लीजिए। देखिए अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट में यदि आप लोग का नाम नहीं आया है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में अवश्य नाम आ जाएगा। कितना परसेंटेज चाहिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में, तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ कट ऑफ को रखा है। इससे पहले देख लीजिए काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे यूट्यूब में वोटिंग किए हुए हैं कि इतने लोग का जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया थे। सबसे पहले वोटिंग को हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ना कि मैंने जो कि जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसी दिन एक दिन बाद मैंने वोटिंग डाला था, ठीक है, यू पी आई टी आई में आप लोग का नाम आया कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हेडिंग दिया था यू पी आई टी आई में आप लोग का नाम आया कि नहीं। तो काफ़ी लोग जो वोटिंग किए, ठीक है, वोटिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19% लोग का जो कि नाम आ गया, ठीक है, 100 में 19% लोग का नाम आ गया और 81 लोग का नाम नहीं आया। समझ लीजिए कि काफ़ी जो कि कैंडिडेट का नाम नहीं, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे 99 लोग वोटिंग किए हुए हैं, यहाँ पे 99 लोग वोटिंग किए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 19%, ठीक है, 19% इसमें यस आया है और 81, ठीक है, 81% लोग का जो है कि नहीं नाम आया, ठीक है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो है कि आप लोग का कट ऑफ 93, मैंने पहले ही बताया 93 से लेकर 85 तक गया, 85 तक कट ऑफ गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट का आप लोग का कट ऑफ 93 से 85 तक गया है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना मैक्सिमम कम से कम नंबर चाहिए, और देखिए इसमें जो जैसे ट्रेड और है वेल्डर, जैसे वेल्डर ट्रेड हो गए आपके, और जैसे कि कोपा ट्रेड हो गए, ये सारे जो कि फैशन डिजाइनर ट्रेड हो गए, ये जो कि अगर आपका 75 से लेकर आप लोग का 75 से लेकर अगर 73 भी रहा होगा तो काफ़ी कैंडिडेट का, काफ़ी स्टूडेंट का नाम आ गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है। क्योंकि मेरे भी पास एक ऐसा स्टूडेंट है एससी कैटेगरी का, उनका कटअप जो है कि इस बार 85 था, तो उनका जो है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इनका इलेक्ट्रीशियन मिला था, इलेक्ट्रीशियन इनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 85 से बनाया था। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं 85 वाले कैंडिडेट को इस बार जो है कि परसेंटेज यू पी आई टी आई लिया, तो इस बार जो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना लेगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
देखिए हमने जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ इस समय आप लोग यहाँ पे देखें, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ भाई, इन जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में अगर आप लोग का, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम लाना है तो आपको मैक्सिमम इतना परसेंटेज चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है जनरल के लिए 82 से 88, अगर जनरल कैटेगरी का जिस अभी स्टूडेंट का नाम नहीं है, ठीक है, तो 82 से 88 तक अगर इनका अगर परसेंटेज रहता है तो सेकेंड में जो कि नाम आ जाएगा, जिस स्टूडेंट का फर्स्ट में अगर नाम नहीं आया होगा इतना परसेंटेज पे तो सेकेंड में अवश्य नाम आ जाएगा। EWS की बात करेंगे तो 78 से 85 तक, यानी 78 से 85 तक, ठीक है, EWS वालों को सेकेंड में नाम अवश्य आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं वोटिंग करूंगा, आप लोग जो है कि आप लोग वोटिंग करिएगा कि कितना आप लोग का सेकेंड में नाम आया है कि फर्स्ट में नाम आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे OBC की बात करेंगे, OBC को 75 से 80 तक अगर नंबर रहता है आप लोग यहाँ पे, तो 75 से 80 तक अगर OBC कैटेगरी का नंबर रहता है तो आप लोग का सेकेंड में लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग का OBC अगर OBC कैटेगरी से है तो आप लोग के 75 से 80 जो परसेंटेज होना चाहिए, जो कि हाईएस्ट जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं लेगा, ठीक है, 75 से 80 तक होना चाहिए। SC की बात करेंगे, SC को देखिए 72 से 77 तक, SC कैटेगरी का 72 से 77 तक सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आने का पूरा चांस है, 100 में 100 चांस है, यदि आपका इतना परसेंट रहेगा अगर फर्स्ट में नाम नहीं आया, ठीक है, अगर फर्स्ट में है तो सेकेंड में अवश्य नाम आ जाएगा कि 72 से 77 तक परसेंट रहेगा। बात करेंगे SC का बात करेंगे तो 66 से 70 तक अगर आप लोग का अगर सेकेंड में अगर फर्स्ट में SC वालों को ST वालों को काफ़ी लोग का नाम आ चुका है, मगर जिस स्टूडेंट का, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 50% है, ठीक है, 50% वालों को भी जो कि इसमें नाम इस बार सेकेंड मेरिट लिस्ट में 50% वालों को भी नाम दे देगा, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो वोटिंग करिएगा साथ ही आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट है सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं। जैसे ही मेरिट जारी होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगी आप लोग को एक दिन पहले ही पूरा फुल जानकारी दे दी जाएगी लेटर के माध्यम, ईमेल के माध्यम से दिखाकर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा UPI से संबंधित जानकारी पाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।